ओके Just me, you look different. Yeah, different you see na. What's changed? I don't know what changed, but yeah, it's changed, it's different. It's not like हे गाइस गुड मॉर्निंग। आज की ब्लॉग की शुरुआत हुई सुबह के 8:30 बजे। मेरा नाम विवेक, मैं हूँ इंडिया से और अभी इटली में स्टडीज कर रहा हूँ। फिलहाल अभी की बात करूँ तो मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके बिल्कुल रेडी हो गया और अभी जा रहा हूँ स्टडी रूम में स्टडी करने के लिए, क्योंकि मेरे 2 एग्ज़ाम बचे हुए हैं। और हालांकि सभी के एग्ज़ाम फिनिश हो गए, सिर्फ मेरे बचे हुए हैं, क्योंकि मैं वीज़ा लेट आने की वजह से मैं यहाँ लेट आया था, तो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर मिस हो गया। तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों एग्ज़ाम साथ में ही दे रहा हूँ। Not looking. Okay. What? I'm just putting air in foam. Trust me, you look different. Yeah. Yeah. Different you see na. What's changed? I don't know what changed, but yeah, it's changed. It's different. It's not like फ्रेंड्स, अभी स्टडी करते करते दोपहर के बज रहे हैं 3 और अभी मैं थोड़ा सा थकान हो गई, बैठे बैठे चलते हैं रूम में, थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर से स्टडी करने बैठेंगे। फ्रेंड्स, अभी बहुत बड़ा पंगा हो गया। एक्चुअली मैं जब स्टडी रूम में जा रहा था, रूम लॉक करा और बाई मिस्टेक ये रूम नंबर 122 का कीज़ उठा लिया मैंने। एक्चुअली जब रेनाल्डो जा रहा था तो उसका एक्स्ट्रा कीज़ जो थी वो मुझे दिख गया था, और मेरा रूम नंबर है 123, दोनों साथ में रखा हुआ था और गलती से मैंने उसकी कीज़ उठा ली। अब मैं अपने रूम में जा नहीं सकता, प्रॉब्लम ये हुई। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि 122 से रेनाल्डो का रूम ओपन करता हूँ, उसके बालकनी में जाऊँगा, उसके बालकनी से अपने बालकनी में जंप करूँगा, फिर बैक साइड से डोर ओपन करूँगा, क्योंकि बालकनी मैंने लॉक नहीं करी, सिर्फ स्लाइड करा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। रूम नंबर 1-2 की वापस मैं उधर से रेनाल्डो का रूम खोल कर आता हूँ। माय गॉड। फ्रेंड्स, अभी आ गया हूँ मैं रूम में, और ये बालकनी से किसी के रूम में जंप करने का अगर अवार्ड मिलेगा यहाँ पर ना, तो मुझे ही मिलेगा, क्योंकि ये इट्स नॉट माय फर्स्ट टाइम। एक्चुअली मैं कई बार ऐसा कर चुका हूँ, ये अपने लिए मैं फ़र्स्ट टाइम करा है मैंने, बट पहले मैंने 2 बार रेनाल्डो के लिए कर रहा है और 1 बार यूसिना के लिए। मैं 1 बार यूसिना अंदर अपने कीज भूल गई थी, तो मैं फ्रैंक के बालकनी से यूसिना के बालकनी में जंप कर रहा था। फिर 1 बार हुआ था कि रेनाल्डो अपना कीज़ भूल गया था, तो मैं अपनी बालकनी से उसकी बालकनी कूद के उसका रूम ओपन कर रहा था, और उसके बाद ये हुआ कि मेरे रूम की कीज़ अंदर ही रह गई। लाइक मैं जंप करके उधर चला गया और रूम की कीज़ यहाँ थी, और रेनाल्डो बाहर चला गया, रूम फिर से लॉक हो गया। तो फिर वापस से मुझे रेनाल्डो के बालकनी से फिर अपने बालकनी आना पड़ा। तो ये हुआ था, और यहाँ से मतलब रेनाल्डो जा रहा था, तो जाने से पहले जिस दिन जा रहा था रात में, चाबी अंदर भूल गया था, फिर से मैंने जंप करा था। तो ये 4 से 5 बार मैं जंप कर चुका हूँ यहाँ पर। Lots of people here. Yeah. Okay, I'm going to do some shopping. Okay. So I'm leaving you. Okay. Bye-bye. Bye-bye. फ्रेंड्स, अभी शाम के बज रहे हैं 4:30 और अभी मुझे थोड़ी भूख लग रही है, तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा कुछ कुक करने के लिए किचन में, क्योंकि आज मैं एयरपोर्ट नहीं जा रहा हूँ। चलिए फटाफट कुकिंग करते हैं।
फ्रेंड्स ये हो गया है रेडी तहरी, और ये साथ में है दही, 200 ग्राम की दही है। तो चलिए खाते हैं। और फिलहाल देखिए कोई नहीं है, पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है पूरे होटल की बिल्डिंग में। आज अकेले ही मैं हूँ, कोई नहीं है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जा चुके हैं। बाकी दो मेरे फ्रेंड्स हैं बट वो जॉब कर रहे हैं, तो वो जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पर रह रहे हैं, और कोई है नहीं। पूरा जिधर जाएंगे पूरा अकेले अकेले ही है। चलिए फिलहाल खाते हैं, फिर चल के रूम में स्टडी करते हैं। अभी स्टडी करते करते रात के बज गए हैं 12:30, और अभी जाकर मुझे थोड़ी भूख लग रही है। तो चलिए चलते हैं नीचे किचन में, जो सामने बनाया था उसी को ओवन में गर्म करते हैं, खा पी कर आते हैं। एक्चुअली मैं दिन भर अकेले था बट सामने मैंने देखा कि हमारी फ्रेंड्स लाइक दो इटालियन गर्ल्स आई हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग तो हॉलीडेज़ में गए थे, बट उन्होंने बोला कि हाँ हमारे छुट्टी चल रही, एग्ज़ाम तो हो गए बट हम लोग बीचेस इंजॉय करने के लिए आए हैं। क्योंकि यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं ना, यहाँ से बीच काफ़ी नज़दीक है, लाइक बहुत क्लोज है। सो इट्स बेटर टू स्टे हियर एंड एंजॉय द बीच। सो वो लोग यहाँ हैं, 3-4 दिन रहेंगे, बीच इंजॉय करेंगे, फिर वापस घर चले जाएंगे। तो ज़्यादा दूर है नहीं, लोगों का यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर, तो 1-1.5 घंटा की दूरी पर हैं लोग, तो फटाफट चले जाते हैं। ये रहा चावल, और इसमें मेरा दही वगैरह तो निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के बज रहे हैं 8, और रात में स्टडी करते करते मैं कब सो गया मुझे पता नहीं। मुझे लास्ट याद है कि मैं 4:35 तक मैं जगा था, बेड पर स्टडी कर रहा था, और मुझे पता भी नहीं कब मैं सोया। वो तो सुबह में अभी 5 मिनट पहले मम्मी पापा कॉल आया था तो मैं जगा हूँ, तो अभी मुझे पता लगा कि स्टडी करते करते सो गया था। बट अच्छी बात यह है कि कॉल आ गया तो मैं जग गया हूँ। तो अभी मैं थोड़ा जूस पी रहा हूँ, उसके बाद फिर नहा धोकर फिर से स्टडी करेंगे। और आज मैं सोच रहा हूँ ना कि मेरा जो स्पीकर था साउंड कोर मोशन बूम, वो गया हुआ था रिप्लेसमेंट के लिए, तो वो साउंड कोर से जर्मनी से वापस आ गया है। यहाँ BRT जो कोरियर सर्विस होती है उनके पास वेयर हाउस में पिछले 4 दिन से पड़ा हुआ है, बट आई डोंट नो क्यों ना ही वो कॉल कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, बस वो डेट आगे शिफ्ट कर रहे हैं। फिलहाल चलिए इस ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, और बाकी आज का जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा। चलिए इस ब्लॉग यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।